हेलो एंड वेलकम टू फ्लेवर्स विद शर्मिन। आज के वीडियो में शेयर करूंगी आपके साथ डोमिनोज स्टाइल गार्लिक ब्रेड की रेसिपी। अगर रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना गार्लिक ब्रेड। पहले हम गार्लिक ब्रेड का डो बनाएंगे, जिसके लिए यहाँ पर बड़े बोल में मैंने लिया है 2 कप मैदा। उसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून शक्कर, 1 टीस्पून इंस्टेंट ड्राई ईस्ट, 1/2 टीस्पून ओरिगनो, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून फ्रेशली क्रश किया हुआ गार्लिक, आप गार्लिक पाउडर भी यूज कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून बटर। सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। सारी चीजें अच्छी तरह से मिक्स हो गए। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके नीम गरम दूध, आप पानी भी यूज कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसका सॉफ्ट डो बना लेंगे। डो अब हमारा रेडी है। सारी चीजों को अच्छी तरह से दूध के साथ मिक्स करके मैंने 15 मिनट तक अच्छी तरह से सॉफ्ट गून लिया था। अब हम इसे क्लिंग से कवर करेंगे और 1 से 1.5 घंटे तक राइज होने देंगे। जब ये साइज में डबल से ज्यादा हो जाएगा तो फिर हम अपना गार्लिक ब्रेड बनाएंगे। डेढ़ घंटा हो चुका है, डो जो हमने राइस करने रखा था वो अब अच्छी तरह से राइस हो गया है। देख सकते हैं आप, साइज में डबल हो गया है। इसको एक बार पंच डाउन कर लेंगे और हल्का सा गूंद लेंगे। डो हमारा बहुत ही सॉफ्ट है तो गार्लिक ब्रेड भी हमारी बहुत ही सॉफ्ट और चीजी बनेगी। इस डो से यहां पर मैं 2 गार्लिक ब्रेड बनाऊंगी, तो इस डो को हम 2 में डिवाइड कर लेंगे, इक्वल पार्ट में। एक हिस्सा साइड में रख देंगे और एक हिस्से से हम ब्रेड बनाएंगे। थोड़ा सा सूखा मैदा मैं डाल दूंगी इस पे और इसे हाथ ही से हम अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे। ये ब्रेड हमारी बन गई। अब हम इसके ऊपर गार्लिक बटर स्प्रेड करेंगे। गार्लिक बटर बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 3 टेबलस्पून बटर। उसको माइक्रोवेव में मेल्ट कर लिया। बटर में हम डालेंगे 2 टेबलस्पून फ्रेशली ग्रेट किया हुआ लहसुन, थोड़ा सा चॉप किया हुआ हरा धनिया, 1/2 टीस्पून डालेंगे चिली फ्लेक्स और 1/2 टीस्पून डालेंगे ओरिगनो और सारी चीजों को मिक्स करेंगे। अब इस गार्लिक स्प्रेड को ब्रश की हेल्प से हम अपने ब्रेड के ऊपर स्प्रेड कर लेंगे। इवनली सारे ब्रेड पे स्प्रेड करेंगे। अब हम इसके ऊपर डालेंगे मोजरेला चीज, जिसे मैंने ग्रेट करके रखा है, एक साइड पे डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून। और अब ब्रेड की इस साइड को उठा के इस तरह से कवर कर लेंगे, जो एजेस है उसको अच्छी तरह से सील कर लें। अब गार्लिक ब्रेड को उठाएंगे और बेकिंग डिश पे रख देंगे। बेकिंग डिश को यहां पर मैंने ऑयल से ग्रीस करके रखा है, एक साइड पे रख देंगे इसे, क्योंकि हमें दूसरा भी बनाना है, वो इसमें इस साइड पे रखूंगे। इसके ऊपर फिर से हम लगाएंगे जो हमने प्रिपेयर करके रखा था गार्लिक बटर।
और अब हम शार्प नाइफ यूज करते हुए इस पे कट लगा लेंगे। नीचे तक हमें नहीं काटना है, थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे हम ऊपर ही ऊपर इस पे कट का निशान लगाएंगे ताकि बाद में हमें ब्रेड काटने में आसानी हो। इसी तरह से जो बाकी बचा हो कि हमने डो रखा है आधा, उसका भी मैं सेम वे में ब्रेड बना के इस तरफ रख दूंगी। सेम वे यूज करते हुए दूसरी गार्लिक ब्रेड भी मैंने रेडी कर ली है, देख सकते हैं आप। अब हम अपने गार्लिक ब्रेड को बेक करेंगे प्री हीटेड अवन में 200 डिग्रीज पे 15 से 20 मिनट के लिए। 20 मिनट तक गार्लिक ब्रेड को ओवन में बेक करके हमने निकाल लिया। गार्लिक ब्रेड अब हमारी रेडी है, अब हम अपनी गार्लिक ब्रेड को सर्व करेंगे। पिज्जा कटर की हेल्प से गार्लिक ब्रेड को कट कर लेते हैं। देख सकते हैं आप हमारी चीजी और सॉफ्ट गार्लिक ब्रेड बिल्कुल रेडी है। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें और मुझे फीडबैक देना ना भूलें।